आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेजिटेबल वेट लॉस सूप। बहुत ही मज़ेदार सूप है, टेस्ट में तो इसके नंबर पूरे हैं। इसका है मज़ा ही मज़ा विद नो सज़ा। तो रात को ये पी लीजिए, 1 महीना आपका वेट ऐसे डाउन होगा ना, मतलब क्या। अब चलिए बना लेते हैं जल्दी से। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे लिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, मटर, मक्की के दाने, कॉर्न्स, ये मैंने फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, मैं फ्रोजन वाले नहीं यूज़ कर रही। अदरक लिया है, लहसुन लिया है बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च, गाजर ली है मैंने, गोभी ली है, बीन्स ली है और बंद गोभी ली है। कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी, अगर आपको नहीं पसंद तो वो निकाल दीजिए। तो ये लिया है मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और साथ में लिया है कॉर्नफ्लावर सूप को थोड़ा सा थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको वो नहीं डालना। तो इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बटर। आप बटर स्किप कर सकते हैं अगर आप वेट लूज के लिए बना रहे हैं तो। अगर आपको उसका टेस्ट इन्हांस करना है तो बटर यूज कीजिए। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक और लहसुन। बटर की जगह आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, बिल्कुल मतलब 1 टीस्पून के करीब। तो इसको मैंने सौते कर लिया है। अभी ऐड कर रही हूँ एक प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको। तो अभी हम बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बाकी की सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छा सा आ जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक सौते कर लेंगे। और इसमें अभी मैंने कॉर्न्स और मटर भी डाल दिए हैं, सभी को हमें साथ में पकाना है। तो अभी गैस का फ्लेम आपका जो मीडियम टू हाई होना चाहिए। तो अभी हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो इसके बाद हम अभी ऐड करेंगे नमक। नमक इसमें इसी पॉइंट पे आपको ऐड करना है ताकि नमक भी अच्छी तरह से पक जाए और जल्दी सब्जियां जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप नमक पहले डाल देते हैं ना, सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, बन जाती है मतलब। तो ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सूप है आपके बच्चे भी बहुत खुश होके पी लेंगे। जो बच्चे होते हैं ना, सूप में इनकार करते हैं, ये सब्जी नहीं, वो सब्जी नहीं खानी, इसमें सब्जी इतनी अच्छी तरह पक जाती है और बच्चों को भी ये सूप बहुत पसंद आता है। तो इसमें अभी मैंने पानी डाल दिया है, 4 कप के करीब मैंने पानी डाला है। पानी ज्यादा कम कर सकते हैं, बाद में भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपका सूप ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो। पानी ऐड कर दिया है, अभी हम इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो अभी हम कॉर्न स्टार्च डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब ताकि सूप को गाढ़ा कर सके। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको सूप को गाढ़ा नहीं करना है, ऐसे ही नेचुरल पीना है तो उसकी मत डालिए। तो अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, सूप का जो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल का ना वो टेस्ट आएगा पूरा। तो अभी ये हमारी जो स्लरी रेडी हो गई है, तो इस तरफ हम सूप को भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम जो हमने कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर रेडी किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना है, ऐसे फटक से करके ऊपर उसके नहीं डाल देना, तो वो एक जगह ही जम जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और साथ में करछी को हिलाते रहिए, जितनी जरूरत है उतना डालिए। ये नहीं कि पूरा बन गया है तो पूरा का पूरा उसके ऊपर पलट देना है, ऐसा नहीं करना। तो जैसे सूप गाढ़ा हो गया तो पूरा नहीं डाल, मतलब जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। तो अभी इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और ऑरिगेनो। आपके पास कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ये इसके टेस्ट एनहांस हो जाता है, इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, पीने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा सूप रेडी हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है बारीक कटा हुआ। तो ये आप सूप पीजिए, घर वालों को पिलाइए और आप भी पीजिए, अपना ध्यान रखिए। इस तरह क्या होता है, जो सब्जी हम नहीं खाते ना वो सब्जी खाई जाती है। तो ये सूप अपने घर में बनाइए, सबको पिलाइए, आप भी पीजिए। तो आप बताना मत भूलिएगा आपको हमारी रेसिपीज कैसे लग रही है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।